तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आरवी 400 का ऑनर रिव्यू। या तो आज हम करने वाले इस आरवी 400 का ऑनर फीडबैक और जानेंगे जो हमारे भाई है उनको गाड़ी रिव्यू कितना समय हो चुका है, अब तक वो कितना चला चुके हैं और इसमें क्या क्या उनको दिक्कत देखने को मिली है, कितना एवरेज देती है, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। यदि आप भी आरवी 400 लेने सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि हम बताने वाले हैं इस वीडियो में गाड़ी के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को करते हैं शुरू। और वीडियो शुरू करने पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके इस वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो चलिए शुरू बताते हैं इस गाड़ी के ऑनर को। तो हेलो सर। हेलो। तो सर सबसे पहले अपना नाम इंट्रोड्यूस कर दिया और क्या करते हैं उसके बारे में बता दीजिए। मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश, मैं बेसिक में टीचर हूँ यहीं लखनऊ में। अच्छा, आप टीचिंग का काम करते हैं, पढ़ाते हैं मतलब। हाँ। तो सर अगर बात करें इसको लेने के, तो आपने इसको कब ली थी और अब तक कितना चला चुके हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैंने इसको 2022 में मई में लिया है और अब तक मैं इसको करीब, यहाँ आप देख सकते हैं, ये 10,000 किलोमीटर पे मीटर इसका खराब हो गया था। अच्छा, अभी 26,675 किलोमीटर चल चुकी है। यानी जब आपने गाड़ी दी थी तो आपका इसका जो मीटर था वो खराब हो चुका था 10,000 किलोमीटर चलने के बाद। हाँ। अचानक हमने उसी दिन रीड किया और बताया कि 10,000 किलोमीटर हो गई, फर्स्ट सर्विसिंग भी होती है 10,000 किलोमीटर पे, इसमें कार की तरह होती है, 2,000 नहीं होती बाइक की तरह, तो जानते ही होंगे। तो 10,000 पे हमने इन्फॉर्म किया रिवॉल्ट में कि मैं कल सर्विसिंग कराऊंगा और उसके अगले दिन ही इसका डिस्प्ले में मीटर डाउन नहीं हो रहा था, मैं 8-9 किलोमीटर चल चुका था। तो मैंने फिर देखा कि स्पीड कम आ रही है, फिर देखा कि अचानक वो 6,000 किलोमीटर शो करने लगा। तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम, तो बोले कि मीटर खराब हो गया डिस्प्ले, आइए हम बदल देंगे। तो सर कुछ कॉस्ट लिया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, बल्कि मैंने जानना चाहा कि ये कितने का, अगर वारंटी निकल गई तो मुझे कितने का पड़ेगा। तो मैंने पूछा कितने का ये पड़ेगा, तो बोला सर डिब्बे पे देख लीजिए करीब 6,200 या ऐसे कुछ एमआरपी उस पर, 6,000 से 6,500 के बीच में था वो था, लेकिन वो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट बदल गया। हाँ, अभी तो वारंटी में होगा तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ही। अगर देखा जाए तो गाड़ी तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन कुछ भाई हर कंपनी तो चाहती है अपना नाम अच्छा हो, सब हो, लेकिन कमियां तो रही जाती हैं, वो फिर रिव्यू में ही पता चलता है चलाने के बाद ही। तो सर बात कर रहे हैं कमियों की, तो आपके हिसाब से इनमें क्या कुछ कमी देखने को मिली, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। कमी में ये है, एक तो पहला तो इनका जो 140 का माइलेज है, अभी कुछ लोगों को और भी रेंज चाहिए। अब 140 अगर देख के कोई ले लेता है और सपोज उसको, जैसे हमको ही 90 अप डाउन करना है, हमारे एक साथी हैं उन्होंने भी मेरे साथ लिया था, उनको 120 पूरा पूरा अप डाउन करना है, अब ये कुल मिला के 110-115 चलती है। जाड़े में परफॉर्मेंस और कम हो जाता है बैटरियों का, ईवी गाड़ियों का, तो गर्मी में तो वो चल जाती है, वो भी 30-32-35 की स्पीड में बताते हैं कि मैं चलता हूँ तब मैं घर पहुँच पाता हूँ, कभी कभी जीरो हो जाती है। हमारा तो है कि 15-20% बचती है, लेकिन अब जाड़े में दिक्कत होती है, जाड़े में पता चला 90 किलोमीटर चलने में ही पूरी बैटरी डाउन हो जाती है। तो अगर आपकी बात करें आपकी रनिंग कितनी है डेली की? हमारी डेली 45 है वन साइड, 90 किलोमीटर, मतलब 90 किलोमीटर आपको रोज आना जाना है। मैं डेली चलता हूं। अभी कितना ये सर एवरेज दे रही है आपकी गाड़ी? अभी जाड़ों में तो कह रहा हूँ ना, जाड़ों में तो फिर 80-90 किलोमीटर निकलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आप फास्ट चल जाते हैं। वैसे आप किस मोड पे चलाते हैं जनरली? हमने शुरू में डर डर के चलाया, कुछ दिन चार्जर लेके गए, लेकिन बाद में मैंने देखा कि सेकेंड मोड में भी अगर चलाएं और अगर आप फर्स्ट रेंज की स्पीड से चलते हैं तो वो उसी हिसाब से बैटरी उसकी जाती है। तो मैं सेकेंड मोड में कंटिन्यू अब चलता हूं और स्पीड के हिसाब से, वो दूरी के हिसाब से देख लेता हूं कि धीमे चलना है या तेज चलना है। जैसे हमें लेट हो रहा है तो हम तेज चले गए तो वापसी में आराम आराम से आते हैं। अगर बात करें प्राइस की, तो आपने इसको फाइनेंस कराया था या फिर कैश लिया था? नहीं, हमने कैश लिया। और कितना पड़ा था सर? हमें 1,51,236 रुपए की कुछ पड़ी थी। अगर बात करें सब्सिडी वगैरह की, सब्सिडी वगैरह की बात करें, सब्सिडी तब नहीं थी। अच्छा। और अभी जब सब्सिडी आई भी है तो वो अगस्त 22 में जो लोग लिए हैं उन तक, हमने मई में ही लिया था। अच्छा। तो आपकी सब्सिडी रह गई, अप्लाई भी नहीं कर पाए। अच्छा, ये हो रहा था कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी का किया है, हमने 2-3 बार पता भी किया तो बोले कि वो अगस्त है, मैंने आरटीओ में भी पूछा था, वो जब रेडियो पे भी उसका एडवर्टीजमेंट आ रहा था। अगर सर बात करें इसमें हार्डवेयर अपग्रेड की, अपग्रेड का ऑप्शन आया था, मैंने वैसे करा रखा है। अच्छा। क्या आपने करवाया नहीं करवाया? नहीं, मैंने हार्डवेयर अपग्रेड नहीं कराया, लेकिन मैं बल्कि इसको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि मेरा रिमोट थोड़ा सा वो
ये काम नहीं करवा। अच्छा, आपने यहाँ पे चाबी का सिस्टम लगवा दिया है। सिस्टम करवा दिया है। उन्होंने कहा, मैं दो तीन बार गया तो बोले ये कुछ दिन में फिर रिमोट खराब होने लगेगा, तो सर आप चाबी करा लीजिए। मैंने कहा चाबी कर दीजिए। तो ये आपका शोरूम पे ही चाबी लगी है? शोरूम पे ही उन्होंने तीनों लॉक किसी चाबी से, क्योंकि बार बार यहाँ से बोले, जब तक अभी वो उपलब्ध नहीं था तो बोले यहाँ से आप खोलिए बार बार, एनसीबी ऑफ कर दिया करिए। अब कहीं दो मिनट के लिए एक मिनट के लिए रुकना है तो दिक्कत तो उसके लिए दिक्कत जाती है, बार बार एनसीबी गिराओ। तो मैंने कहा भाई आप पता नहीं कब तक आएगा, आप चाबी सही कर दो। तो कितना कॉस्ट आया इसको लगवाने का? 700 रुपए इन्होंने लिया था। अच्छा, 700 रुपए लिया था। 700 रुपए में तीनों लॉक बदले थे, ये टंकी वाला, ये वाला और हैंडल वाला। अगर बात करें अब रिमोट की, तो क्या रिमोट वर्क कर रहा है कि अब केवल चाबी से ही चल रहा है? वो तो इसी से निकाल, उसका सेंसर ही निकाल। अच्छा, सेंसर ही खराब हुआ था तो बोले तो केवल अब मैनुअल मोड पे आ गए मान रही है। हाँ, मैनुअल मोड में है, चाहे तो उसको फिर से कराएंगे, फिर उसका कास्ट लगेगी अलग से। तो सर अगर बात करें इस गाड़ी में, अब तक आप कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं, खर्चा कर चुके हैं अलग से अगर बात करें, और क्या क्या इसके पार्ट चेंज करा चुके हैं? पार्ट तो हमने इसकी बेल्ट चेंज कराई, और एक ये हमने इसका साकर भी चेंज कराया था, सिंगल साकर है, और बेल्ट चिटक गई थी और थोड़ा आवाज कर रही थी, तो मैंने दिखाया तो बोले चिटक गई है, मतलब वो वारंटी में ही थी, फ्री में बदल गई। अभी तक अगर देखा जाए मेंटेनेंस पे, तो सिर्फ मैं 10-15 दिन पे 20 रुपए के हवा चेक कराता। अच्छा। हूं। बाकी और हमारे पैसा। अगर बात करें तो आपको और कमी क्या देखने को मिली है इस गाड़ी में? कमी एक तो इसकी ये सीट है, जो RV 300 थी, आपने देखा होगा RV 300 की फ्लैट थी सीट। अगर वो रहती, मतलब अगर RV 500 लाते हैं और उसको फ्लैट निकाल लें तो ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि अभी इस पे कोई पीछे बैठा है सपोज, उसके एक तो बैठने में भी दिक्कत होती। वाइफ ही मेरी बैठती है, बोलती है आपने कहाँ खरीद लिया। मेरी मम्मी जब बैठती है ना, मुझे बहुत गाली मिलती है। हाँ, तो वाइफ भी बैठती है मेरी, वो कहती है, या कोई और भी पर्सन बैठता है कोई जैसे सामान्य हाइट का, तो वो इस पे डायरेक्ट नहीं चढ़ पाता है, वो इस पे पैर रख करके भी चढ़ पाता है। तो बाद में बातें सुनाता है। सिंगल के लिए स्पोर्ट्स लुक है, ठीक है, लेकिन फ्लैट वाली जो हमने देखा था, वो उसमें पिज्जा वगैरह में लगी हुई है गाड़ियां, वो तो RV 300 की फ्लैट सीट थी, वो अच्छी। अगर कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट कितनी है? कंफर्ट तो हमें लग रहा है RV 300 ज्यादा कंफर्टेबल होगी। वैसे मैंने अपनी तो गाड़ी की सीट मॉडिफाई पूरी करवाई है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। हाँ, 5-6 मिनट चला लो तो पूरा बैक दर्द होने लगता है, जैसे लगता है आगे की ओर ही हम चले जा रहे हो, पीछे कोई बैठा है तो ढकेलता रहता है। हल्की ब्रेक लगाई तो पिलियन आपके ऊपर आ जाता था और आप टंकी पे आ जाते थे, तो वो थोड़ी दिक्कत थी। बाकी गाड़ी बहुत शानदार है, सब है, लेकिन थोड़ा सा रेंज इनको बढ़ाना चाहिए, 150 से 200 अगर कर दें, 200 के आसपास रहे, 150 पूरी पूरी अगर चल जाए, तो जो थोड़ा सा दिक्कत आती है लास्ट में कि हम धीमे चलते हैं या थोड़ा, ये कई लोगों ने मुझसे कहा और मेरे दोस्त लेना चाहते हैं, लेकिन वो दूरी के नाते ही कि वो 110-115 पे रह जाती है, तो थोड़ा सा। अगर बात करें कस्टमर सर्विस की, आफ्टर सेल सर्विस की, वो कैसी मिली है शोरूम पर? क्योंकि इसकी बहुत मुझे कंप्लेंट सुनने को मिलती है। सर्विसिंग इनकी जो है कंपनी की, कह रहे हैं गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन सर्विसिंग इनको थोड़ा और इम्प्रूव करनी चाहिए। सर्विसिंग मैंने खुद ही ये चेंज कराया, क्योंकि मैं 2-3 बार गया, करीब 2 हफ्ते तक इसका सेंसर नहीं आ पाया था, तो मैंने कहा भैया चाबी से कर दो। बाकी कई लोग वहाँ पर भी मिलते हैं जो कहते हैं हमारी 10 दिन से गाड़ी खड़ी है, हमको अभी कंप्लीट होके नहीं मिली है, तो सर्विस इम्प्रूव करें, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी बहुत अच्छी कंपनी ने बनाई है, लेकिन सर्विसिंग पे जरूर ध्यान देने की जरूरत है। तो सर अगर बात करें इसकी टॉप स्पीड की, आपको कितनी मिली है फर्स्ट सेकंड थर्ड मोड पर? फर्स्ट में तो 42 के ऊपर नहीं जाती है, 42-43 में थोड़ा फ्लैक्चुएट करती है। सेकंड मोड में 60 है, तो 60-59 कभी 60 इतने पर ही रहती है, और टॉप 85 है इनका, लेकिन हमें लग रहा है कि मैंने एक बार ट्राई किया था, चेक कर रहे थे, तो 82-83 तक गई थी। अच्छा। हाँ, अगर कभी गाड़ी से बंद हुई है एकदम से गाड़ी? हाँ, गाड़ी शुरू शुरू में एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब रुकने के बाद स्पीड लिया या बढ़ाने की कोशिश की, तो अचानक एक खट से आवाज करके या झटका देके बंद हो गया, पूरा डिस्प्ले चला गया। अच्छा, ये इशू मेरे साथ भी 2-3 बार हो चुका है, अभी कल ही हुआ था। हाँ, कि मैंने एक्सीलेटर लिया और एकदम से झटका लेकर के बंद हो गई, तो वो एनसीवी से यहाँ से खोल के बैटरी, इसको ये सब तो देखा ही होगा लोग। हाँ हाँ हाँ, तो वो फिर वहां से एनसीवी ऑफ ऑन करिए, तब फिर पावर आ जाता है। अच्छा, अभी तक बैटरी में कोई इशू आया? एवरेज में आपकी बात करें
आपको दिखाना पड़ा कंपनी में, ऐसा कुछ नहीं? अभी नहीं आया है, अब चूंकि हमारा 90 ही है, हो सकता है जो ज्यादा चलते हों उनमें आया हो। हालांकि जो मेरे साथी हैं रितेश सिंह जी, वो 120 डेली अप डाउन करते, मतलब 60 उनका एक साइड पड़ जाता है। तो वो सिंगल चार्ज में करते कि उनको चार्ज करना पड़ता है वहां पर? नहीं, जाड़ों में कह रहे हैं कि अब लेके जाना पड़ता है, वैसे तो सिंगल चार्ज में वो घर तक चले जाते हैं, क्योंकि वो उससे पहले एक इलेक्ट्रिक स्कूटी रखे थे तो उनको थोड़ा उसके बारे में जानकारी। लेकिन उनको ये दिक्कत होगी ना फिर, अगर कहीं और अगर जाना हो तो उसके अलावा वो कहीं जा पाएंगे? केवल और कहीं जाना है तो आप बेटर है कि कैरी करिए, कैरी बैग में आप रख लीजिए चार्जर। दिक्कत ये है ना इनके साथ कि इन्होंने चार्जर रखने की जगह नहीं दी है, कम से कम गाड़ी चार्जर रखने की जगह देनी चाहिए। ये भी आप खुद ही मैनेज करा के लगवाते हैं, कोई डिग्गी लुक भी खराब कर देती है बाइक की। आपको ऐसा जगह देना चाहिए जहाँ पे कहीं गाड़ी जैसे इतना बड़ा इन्होंने बनाया है, इसमें कहीं आ जाए या चार्जर को थोड़ा मिनिमाइज करें, छोटा करें। इन्होंने डिग्गी में स्पेस दीजिए आगे, उसी में अगर ऐसा कर देते कि आ जाता तो वो भी सही था। वो इसमें इनबिल्ट हो ऐसा कुछ करें कि आप लीड लगाइए, सिर्फ लीड लगाइए, और वो एडाप्टर जो बड़ा सा है वो ना होके छोटा हो जाए, जैसे लैपटॉप वगैरह में छोटा एडाप्टर होता है, अगर उतना हो जाए तो इजी हो जाए कैरी करना। अगर ले भी जाते हैं तो फिर डिग्गी में और कुछ नहीं रख सकते आप। अच्छा, बात करके चार्जर की, आपने इसकी कॉस्ट पता करी कितनी है? चार्जर शुरू शुरू में जब हमने पता किया था, जब गाड़ी ले रहे थे तो बोले 6,000 का चार्जर है, लेकिन बाद में अभी बीच में एक बार और हम गए तो बोले 20,000 का है। वही 20,000 का चार्जर हो गया। अगर सेपरेट एक खरीद के 6,000 का रख लिया जाए, भाई एक जहाँ जाते हैं वहां रख दे घर पे, तो अभी पता चला कि वो 20,000 का है। मैंने कहा अरे 20,000 का हो गया, जब मैंने गाड़ी ली थी तो 6,000 का बता रहे थे। वही तो मेरे सुन के कान खड़े हो गए, इसलिए मैं चार्जर गाड़ी भले संभाल के रख लेकिन चार्जर को बहुत संभाल के रखते हैं। 20,000 पे कौन चार्जर लगाएगा? अब यही लगता है कि अगर चार्जर खराब हुआ तो लंबी चपत लगेगी। हाँ, लंबी चपत लग जाएगी। तो अगर बात करें और कोई कमी आपको इसमें अब तक मिली है, अब तक आपने बता दिया है, अगर और कोई आप कमी बताना चाहते हैं? इसमें कमी ये है कि जैसे ये लॉक है इनका, अगर आपने गलती की जरा सी, मैंने दो बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, एक बार तो मेरे भांजे ने किया गलती से, उसको वो समझ में, अब देखिए चाबी थोड़ा सा अटक रही है क्योंकि ये चाबी एक बार इसमें फंस गई है और टेढ़ी हो गई, एकदम टूटने वाली, लॉक टेढ़ा हो चुका है। हाँ, ये देखिए, ये जैसे आपने ऐसे खोल दिया, अब अगर आप, हमने तो ये बंद कर दिया, जैसे मैंने खोला और आप कहीं से बाहर निकाल रहे हैं एकदम से, आपने अगर हैंडल घुमा दिया, हाँ ये घुमा दिया तो आपका काम हो गया, वो इसमें फंस जाती है और ये उसकी वजह से ही, ये देखिए चाबी टेढ़ी हो चुकी है, एक चाबी टूट चुकी है, अब सिर्फ सिंगल चाबी में इसको पीट पीट के बनाया है। तो अब तक कितने बार चेंज करा चुके हैं इसका इस वजह से लॉक? एक बार वही हुआ था जब ये मैनुअली हुआ, लेकिन वो चाबी हाल ही में, दोनों चाबी मेरी एकदम सही थी, जब मैंने चेंज कराया है उसके बाद भांजे ने, मैंने कहा कि गाड़ी बाहर निकाल दो, उसने चाबी लगा के और खोल के सीधा करके निकाला और पूरी चाबी, कमजोर चाबी है कि हल्की से भी टूट जाती है, ये थोड़ा अच्छी करें, और या तो यहाँ पे स्पेस ऐसा बढ़ा दें कि ये जब सीधा करते हैं चाबी टच ना हो दोबारा, ये वाइप की गलती से, मैंने मतलब बताया नहीं उनको कि चाबी निकाल लेना, मैंने कहा लॉक खोल दो, उन्होंने लॉक खोल के चाबी छोड़ दिया, मैंने सीधा किया और निकाल लिया। मेरे साथ भी हो चुका है, मैं भी चेंज करा चुका हूँ, मुझे याद था कि हाँ मुझे टेढ़ा नहीं करना, लेकिन पता नहीं कौन से दिमाग में था, मैंने चाबी लगा करके हैंडल टेढ़ा कर दिया। एक बार में ही अगर आपने कर दिया तो चाबी ऐसी है, देखने में तो लगती है कि स्टीलनेस स्टील होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी दम नहीं है चाबी में, चाबी पूरी यहाँ से टूट जाती है दो टुकड़े में। अब मैं तो दो बार उसको निकलवाया हूँ जाके लॉक वाले से, ये दिक्कत है, चाबी और अच्छी करे, या तो यहाँ स्पेस थोड़ा सा डिजाइन में इसके बदलाव करें, कभी फंस जाए चाबी टूट जाएगी तो फिर और कोई काम ही नहीं होगा। तो दोस्तों ये था इस RV 400 का रिव्यू जो कि मैंने आपको दिया, जो हमारे भैया थे उन्होंने अब तक का आपको 20 मंथ का फीडबैक दे दिया, तो थैंक यू भाई अपना कीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यदि अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इस वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं खत्म, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।